नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है मेरे न्यू यूट्यूब चैनल पे। तो आप देख सकते हैं मेरे पास एक ब्लैक कलर का LG Q6 है। तो चलिए फटाक से इसका एक रिव्यू कर देते हैं कि इसमें क्या है क्या नहीं है और क्यों लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके मामले में जो है बढ़िया है वो है इसका डिस्प्ले। डिस्प्ले क्वालिटी वाइज ये दूसरे मोबाइल से कहीं बेहतर है, जैसे मोटो G5S Plus, उसके बाद जो भी हो, जितना भी हो, शामी, रेडमी, जो भी हो, उसके मामले में कंपेटिबल में ये बहुत ख़ास डिस्प्ले है। उसके बाद देखा जाए तो इसका व्यू एंगल भी बहुत अच्छा लगता है, सॉलिड दिखने को, अदरवाइज सब कुछ बेटर। उसके बाद चलिए मैं शॉर्टकट में आपको बताता हूँ, मैं एक नॉर्मल यूज़र की तरह से बताता हूँ कि इसमें मुझे क्या मिला क्या नहीं मिला और क्यों मिला कैसे मिला। जो कि है इसके एलुमिनियम सीट्स, मतलब एलुमिनियम का बॉडी है तो काफ़ी सॉलिड है, किसी को फोड़ेंगे तो फूट जाएगा लेकिन ये नहीं फूटेगा। अदरवाइज़ पीछे तो इसका आप जानते ही होंगे, प्लास्टिक का बॉडी है जो कि उतना प्रीमियम नहीं है, फिर भी चलता है कि इसके अंदर रहेगा तो अच्छा ही रहेगा, इसमें दाग वाग लग जाते हैं। उसके बाद 13 मेगापिक्सल का कैमरा है F2.2 अपर्चर के साथ, जो कि अच्छा ही तस्वीर खींचता है, मैं ये नहीं बोल सकता कि वेस्ट तस्वीर खींचता है। उसके बाद देखिए, मैंने अभी तक पेपर भी नहीं हटाया क्योंकि मेरा अभी तक 4 मंथ हो गया यूज़ कर रहा हूँ अभी, तो आई थिंक बेटर ही चल रहा है। उसके बाद हम लोग कई बार यूट्यूब पे देखते हैं, शायद इसका सैमसंग गैलेक्सी S8 की तरह क्रॉप होगा शायद, बट देखिए दोस्तों आज बढ़िया से देखिए, ये कोई क्रॉप नहीं है, ये सिंपल प्लेन है। मुझे भी जब मैंने यूट्यूब पर सारी वीडियो देखा था, मुझे शायद लगा था ये क्रॉप होगा, बढ़िया इतना क्रॉप नहीं है। तो अदरवाइज सब कुछ बेटर है। अब जैसे डिस्प्ले देखेंगे, वाओ, सो आई लव दिस डिस्प्ले यार, और मुझे तो कोई शिकायत नहीं है इस मोबाइल से, सब कुछ मुझे बैटरी मिल चुका है जो भी आशा करता हूँ, बैटरी बैकअप, फ़ोन, रैम, उसके बाद गेमिंग परफॉर्मेंस। हाँ थोड़ा बहुत लैग मारता है, थोड़ा बहुत, लेकिन इतना हैवी हैवी गेम में जो 1GB 2GB होगा। ओके एक मिनट फ़ोन को काटता हूँ, जो कि है तो आई थिंक सब कुछ बेटर ही है। तो यार यही है इसकी कोई कॉन्स्ट्रेस, 13 मेगापिक्सल का कैमरा, और आजकल के मामले में जो कि फिंगरप्रिंट सेंसर होता है वो मिसिंग है, तो आई थिंक ये सबसे बड़ी बात है। उसके बाद बात किया जाए इसकी दूसरे स्पेसिफिक मतलब फीचर्स की, तो फेस रिकग्निशन सिस्टम तो दिया हुआ है, ऑलमोस्ट 3mm जैक है। उसके बाद डेटा केबल इंसर्ट है, सब कुछ है, बैटरी है। तो यही था मेरा रिव्यू, 3 महीने में मैंने इसको यूज़ किया, 4 महीने में, तो सब कुछ बैटरी चल रहा है, अभी भी चल रहा है, तो कोई शिकवा नहीं। लेकिन हाँ थोड़ा बहुत ये प्रॉब्लम रहता है कि इसका हीट इशू होता है। तो यही इसकी थोड़ी सी कौन से या भी हीट होता है, अदरवाइज सब कुछ ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा, मैंने नॉर्मल से बनाया यार, मैंने उतना इसमें जान नहीं डाला क्योंकि मुझे जितना चाहिए था उतना मैंने आपको बता दिया। तो आई थिंक तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, चलते हैं।